चेन्नई सुपर किंग्स फैंस के लिए आई तीन बड़ी अपडेट। आईपीएल 2023 में दिख सकती है नई ओपनिंग जोड़ी। जानेंगे पूरी खबर, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आईपीएल 2022 खत्म हो चुका है। गुजरात टाइटंस ने इस बार खिताब अपने नाम किया। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन इस सीजन में काफी निराशाजनक रहा, टीम प्ले ऑफ तक भी नहीं पहुंच पाई। चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों के अलावा गेंदबाजों ने भी काफी निराशाजनक प्रदर्शन किया और दोनों ही डिपार्टमेंट में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम काफी कमजोर भी नजर आ रही थी। अब यहां से महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स अगले सीजन को फोकस करना चाहेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ी तीन बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही हैं, जो कहीं न कहीं सभी क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर मानी जा सकती हैं। यहां पर पहली बड़ी अपडेट ओपनिंग जोड़ी को लेकर के है। आपको बता दें, ऋतुराज गायकवाड़ का बतौर ओपनिंग बल्लेबाज खेलना लगभग तय है, लेकिन उनका साथ दे सकते हैं बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ऑक्शन के जरिए अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी। बेन स्टोक्स आईपीएल 2022 में नहीं खेले थे, लेकिन वो आईपीएल 2023 में वापसी करने को तैयार है। दूसरी बड़ी अपडेट चेन्नई सुपर किंग्स के रिटेंशन को लेकर के आ रही है। चार खिलाड़ी कंफर्म हो गए हैं जिनको चेन्नई सुपर किंग्स की टीम रिलीज कर सकती है। इस लिस्ट में क्रिस जॉर्डन, तुषार देशपांडे, रॉबिन उथप्पा और एडम मिलने के नाम शामिल है। यहां पर तीसरी बड़ी अपडेट ट्रेनिंग कैंप को लेकर के आ रही है। 2023 की तैयारी को लेकर के चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट बड़ा प्लान बना रही है। सितंबर के महीने में ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2023 के लिए अपना ट्रेनिंग कैंप शुरू कर सकती है। इस ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा वो खिलाड़ी होंगे जो इंटरनेशनल क्रिकेट और घरेलू क्रिकेट नहीं खेलते, और ये खिलाड़ी अपनी मैच फिटनेस के लिए इस ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा होंगे। आपको क्या लगता है, चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2023 का खिताब जीत पाएगी या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।